छतरपुर जिला के राजनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपट और ताल गांव के लोग सैकड़ों की तादाद में बिजली की समस्या को लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी समस्या के निदान न होने तक हटने के लिए राजी नहीं दिखाई दिए। इन लोगों का कहना था कि वह काफी लंबे समय से इस समस्या से परेशान है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर राजनगर के बिजली विभाग ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने कनिष्ठ अभियंता आरसी द्विवेदी को प्रतिवेदन सौंपते हुए समस्या के शीघ्र समाधान हेतु निवेदन किया है। ग्राम पीपट के संतोष साहू ने बताया कि उनके गांव में महीने में मुश्किल से 5 दिन ही लाइट रहती है, बाकी समय विद्युत प्रवाह ना होने से जहां वह मच्छरों से परेशान है तो वहीं रात भर नींद नहीं आती और बच्चे भी परेशान रहते हैं। ग्रामीणों का कहना था कि उनकी लाइट विक्रमपुर फीडर से हटाकर गोमाकला लाइन से जोड़ दी जाए, तभी इनकी समस्या का समाधान होगा। वहीं ग्राम तालगांव के सरपंच मनोज पटेल ने बताया कि उनके गांव में भी इसी तरह से काफी समस्याएं हैं। लगभग 10 समस्याओं को लिख कर दिया है, अब देखना होगा कि अधिकारी इन सभी की समस्याओं का आखिर कब तक समाधान कर पाते हैं। वहीं राजनगर कार्यालय में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता आरसी द्विवेदी ने कहा कि उनके पास इन ग्रामीणों की समस्याएं आई हैं, जिनको उन्होंने संज्ञान में लेते हुए अपने उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है, शीघ्र ही इनकी समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा। क्या है जी सर? मेरा सब नाम संतोष साहू है। कौन से ग्राम से? ग्राम पिपट से आया। आज के समस्या को लेकर आए थे आप यहाँ? आज सर यहाँ पे क्या है, हमारे गांव में लाइट की समस्या आए दिन, एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लाइट ठीक से मिल पाती है, बाकी एक भी बूंद पड़ने पर लाइट फॉल्टिंग हो जाती है। पेड़ वगैरह अन्यथा परेशान कर रहे हैं, और विक्रमपुर का जो सर्किट है वहाँ से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम अपना सर्किट चाहते हैं गाँव में पावर हाउस, हमारी सबसे बड़ी समस्या है लाइट। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया अधिकारी? आश्वासन सर ने जो दिया है बोल रहे हैं कि अभी मैं कल वहाँ आके निरीक्षण करूँगा और हो सकेगा तो आपकी लाइट को अलग कर दूंगा, हो सकेगा तो, मतलब मेरे अधिकार में नहीं है ये वो। लेकिन सर अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे फिर आप? नहीं हुआ तो सर हम इसके ऊपर जो भी हुए कलेक्टर साहब, जो भी डीओ साहब, सीओ साहब, जो भी हो सकेगा हम लोग उसके लिए करने के लिए तैयार हैं सर। और बहुत ही परेशान है हम सर, एक महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये 10 HP का बिल देते हैं, जो कि सर कमाई हमारी होती है 150 रुपये पर डे का बिल है सर, और कमाई कुछ भी नहीं है। फिलहाल 3 दिन लाइट मिलती है सर एक महीने में, हम क्या कमाई कर पाएंगे, कहाँ से बिल देंगे? हमारे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे ना, हम लोग करेंगे क्या सर? अगर हमारा लाइट सर्किट सही नहीं हुआ तो सर सबसे बड़ी समस्या है लाइट सर्किट, हम यही चाहते हैं कि हमारा लाइट सर्किट ठीक हो जाए। शुभ नाम आपका? मैं आपके द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता विद्युत वितरण से खजराहू ग्राम। आज के बातों को लेकर यहाँ ग्रामीण आपके पास आए, तालगांव और पिपट के लोग? आज हमारे पास ग्राम तालगांव के सरपंच मनोज पटेल जी आए हुए थे और उन्होंने ग्राम की कुछ समस्याएं बताई हैं, जिसके लिए हमने लाइनमैन को निर्देशित कर दिया है और पिपट ग्राम में जिस तरह से बात करा दी हमने सरपंच जी की लाइनमैन से, तो उसमें सुधार हो जाएगा। पिपट ग्राम की जो समस्या है वो क्या है? पिपट ग्राम की समस्या ये है कि पहला तो अभी बारिश के सीजन में वहाँ 2 खंभे गिर गए थे, जिनसे अभी कुछ गांव का विद्युत प्रवाह अवरुद्ध था, जिसको कल हमने ठेकेदार के लोग गए थे, हम भी गए थे मौके पर, तो खड्डा फंस जाने के कारण, जल भराव के कारण कार्य नहीं हो पाया था। आज ये लाइन करीब आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में चालू हो जाएगी, तो इनकी समस्या का समाधान मतलब उससे जो रुके हुए जो मतलब जो जिन गांव में विद्युत प्रवाह अवरुद्ध हो गया था पोल गिरने के कारण, पूरा फीडर बंद था, तो वो चालू हो जाएगा। लेकिन का जो कहना है गोमाकला से जोड़ने के लिए लाइन का, ये कब तक इनकी समस्या? आज ही ये बात मेरे संज्ञान में आई है, इन्होंने एक हमें आवेदन भी दिया है, जैसे ज्ञापन भी कह सकते हैं आप, और इसमें बहुत से ग्रामीण लोग आए हैं, मेरे ख्याल से 150-200 लोग आए हुए हैं। तो इस विषय में मेरा कहना ये है कि मेरे पास पहली बार ये संज्ञान में आया है कि ये लोग अपना फीडर जो है पावर हाउस गोमा से जुड़वाना चाहते हैं। इनका कहना ये है कि यहाँ से फीडर की विक्रमपुर से जो पेपर डीएल की सप्लाई है इनके गांव जाती है पेपर, तो उससे फीडर लंबा होने की वजह से इन्हें सप्लाई सही नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जब भी फॉल्ट आते हैं तो पूरा फीडर बंद होता है, फिर इनका गांव बंद होता है। इनका आशय यह है कि यदि ये सप्लाई जो है गोमा के पावर हाउस से इन्हें मिल जाए तो फीडर छोटा हो जाएगा और इन्हें विद्युत सप्लाई बेहतर मिलेगी।